और जितना हम लोगों का प्रयास होगा हम लोग आप लोग अपना मीटिंग करिए और कमिश्नर क्या चल के बात किया जाएगा जो संभव हो सकते हैं। हमारी आइए बताइए ऐसा नहीं मंदिर जाके देखिए पूरा घाट एक है। भैया किस तरह का निरीक्षण किया गया था आपके द्वारा? कल जिस प्रकार से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मंशा पर बदलिया चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक लोगों को उजाड़ा गया है, जिनकी दुकानों को उजाड़ा गया है, उनके आवासों को उजाड़ा गया है, आज हम समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में एक निरीक्षण यहाँ करने आए हैं और उनकी पीड़ा सुनने आए हैं। उनके बिना किसी बातों को सुने हुए कुछ लोगों के पास स्टे भी था, जो अपने स्टे कागजों को दिखा रहे थे, लेकिन सबको नकारते हुए उनकी दुकानों को इनकी आजीविकाओं को तोड़ को उखाड़ फेंक दिया गया। यहाँ तक कि लोगों ने बताया कि होली का त्यौहार है, उन्होंने अपने दुकानों में सामानें भरी थी, लेकिन प्रशासन के काम पे कोई जू नहीं रहेगा और उनको उजाड़ कर फेंक दिया गया। समाजवादी पार्टी क्या करेगी आज इन सभी लोगों से मिलकर इनके कागज पत्र को हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम सब न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, निश्चित तौर से इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे बनारस के MLC आशुतोष सिन्हा ने इनके मुद्दे को विधान परिषद में उठाया भी है और हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी सारी बातों को बताएंगे, निश्चित तौर से विधानसभा में भी और जरूर पड़ेगा तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ने का तय किया है और लड़ी जाएगी लड़ाई। देखिए आज हम लोग चितरंजन पार्क से लेके राजेंद्र प्रसाद घाट तक जिस तरीके से ये भयावह तांडव शासन प्रशासन के द्वारा हुआ है, हमारे छोटे छोटे जो रोज कुआं खनते हैं, रोज पानी पीते हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जिन जो झुग्गी झोपड़ियों में अपने घर का पालन पोषण करते हैं, और आज देखिए रंगभरी एकादशी है, आज के दिन यही जितने व्यापारी दोनों साइड सब्जी मंडी में हो चाहे चितरंजन पार्क हो, मां शमशान में जाके बाबा का हर हर महादेव उद्घोष करते थे, आज वो व्यापारी रो रहे हैं। काशी के वो व्यापारी, वो छोटे व्यापारी जो सब्जी नींबू आलू बैंगन यहाँ सब बेचते थे, वो उनका परिवार रो रहा है। कुछ व्यापारी आगे चितरंजन पार्क की तरफ जो पापड़ और गुजिया की दुकानें लगाते थे, उनके दुकानों में सामान लदे पड़े हुए थे, लेकिन शासन प्रशासन ने अपना बुलडोजर नहीं रोका उन व्यापारियों के लिए, और आज वो व्यापारी लगातार रो रहे हैं। और पूरी समाजवादी पार्टी साथ में किशन दीक्षित जी हैं, महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी हैं, प्रदीप जायसवाल जी हैं, कुछ महिला लोग से भी बात की, उसमें आपको क्या लगा? देखिए महिलाएं रो रही हैं जिस तरीके से उनको उनके घर को उजाड़ा गया है, और आज त्यौहार का समय है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बताइए कि जब उनका जो साग सब्जी की दुकान है तोड़ दी गई है तो कैसे बच्चे होली मना पाएंगे, कैसे रंग भरी एकादशी मना पाएंगे, कैसे त्यौहार मना पाएंगे? इनके पास स्टे था, ये जितने व्यापारी थे स्टे दिखाए हैं, और एक मानवता के नाते भी अगर शासन प्रशासन चाहता तो होली के बाद इन्हें थोड़ा समय मोहलत देके, ये जिस तरीके से तांडव हो रहा है, जिस तरीके से ये बुलडोजर का तांडव हो रहा है, समाजवादी पार्टी इसके सामने खड़ी रहेगी और तनिक भी हिलेगी नहीं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। नाम बता दीजिए। मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। प्रदीप जी आज आप लोग क्या किए हैं, किससे मिल रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री विष्णु शर्मा के नेतृत्व में आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कल चितरंजन पार्क के पास हुए अतिक्रमण के नाम पर, जो हमारे कामगारों का रोज मेहनत करने वाले गरीब लोगों का दुकान तोड़ा गया, उसके विरोध में आज हम लोग सबका राय मशवरा करने के लिए आए हैं। हम लोग ने यहाँ पाया लोगों से बात करने पर, व्यापारियों पर, कि जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उस समय सन 1950 में भारत सरकार ने यहाँ पे लगभग 35 दुकानदारों को और लगभग 150 यहाँ पे सब्जी बेचने वाले लोगों को बसाया था, और बाकायदे लिखित रूप से इन लोगों के पास अपना लीगल कंटेंट है, जिसमें नगर निगम वाराणसी ने और नगर विकास प्राधिकरण ने इनको लिख के दिया हुआ है, आपको कभी हटाया नहीं जाएगा और जबरन आपसे कोई कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए वर्तमान में जो सरकार है डबल इंजन की, वह व्यापारियों की सरकार कही जाती है, लेकिन जिस प्रकार से अमानवीय तरीके से होली जो सबसे बड़ा हिंदुओं का पर्व है, उसके पहले आज हमारे गरीबों के घरों को दुकानों को उजाड़ने का काम किया गया है, आज समाजवादी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। इस पूरे कृत्य को हमारे विधानसभा में विधान परिषद के सदस्य माननीय आशुतोष सिन्हा ने कल उठाया था
और आगे इसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को संज्ञान देकर हम उन बातों को रखेंगे और जैसा भी पार्टी निर्देश करेगी व्यापारियों के हित के लिए, व्यापारियों के सम्मान के लिए और गरीबों के लिए जो भी हम लोग काम कर सकते हैं सड़क संसद तक हम आंदोलन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग की मांग ये है कि जिस प्रकार से कल दुकान तोड़ी गई, आज नगर निगम की दुकान लगा दी गई नगर निगम के अधिकारियों कार्यालय द्वारा कि आइए दुकान आपको मिलेगा इतने रुपये दीजिए। यहाँ पे बाजारीकरण किया जा रहा है दुकान मकान और घर बार उजाड़ने के बाद। हम लोग विरोध करते हैं इस चीज़ का और साथ ही साथ मांग करते हैं कि जिन भी व्यापारियों का हमारा दुकान तोड़ा गया, लगभग 35 दुकानदार हैं जिनको बसाया गया था भारत सरकार ने आज़ादी के पहले बसाया था समझौते में, उनको निःशुल्क दुकान उनको आवंटित किया जाए। और साथ ही साथ जो हमारे छोटे हमारे जो सब्जी विक्रेता है उनके लिए भी क्या हम कर सकते हैं क्षतिपूर्ति के लिए में वो त्यौहार के मौके पर किया जाए। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जिसे काशी कहा जाता है और काशी के घाट के समीप उसके इर्द गिर्द जिस तरीके से विकास प्राधिकरण और नगर आयुक्त दोनों लोग साथ मिलकर जिस तरीके से दुकानदार छोटे छोटे व्यापारी गरीब वर्गों का ये भवन उजाड़ने का काम किए, दुकानों को उजाड़ने का काम किए, निश्चित रूप से यह न्यायोचित नहीं है। और हम लोगों ने आज देखा लोग अपनी पीड़ा को रो रो के बताया, लोगों ने महिलाएं बता रही थी कि बिना हम लोगों को कोई सूचना दिए बगैर प्रातः सुबह सवेरे लगभग 6 बजे के आसपास ये वीडियो के कर्मचारी और नगर निगम के कर्मचारी और बुलडोजर लेकर जिस तरीके से ये गरीबों को उजाड़ने का प्रयास किया गया, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और आप देख लीजिए यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें थी जो पुरातत्व काल के जो छोटे छोटे अवशेष थे, मंदिर थे, उसको तोड़ा गया। यहाँ पर जीविकोपार्जन के लिए जो छोटे छोटे गरीब दुकानदार ठेले लगाते थे उनको उजाड़ा गया। यहाँ पर दुकानदार अपने स्थगन आदेश को, न्यायालय का स्थगन आदेश दिखाने के बावजूद अधिकारियों ने जिस तरीके से गुंडई की सीमा लांघ गए और डंडे के बल पे निरी दुकानदारों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर और यहाँ जो गरीब तबके लोग हैं, जो निराश्रित लोग हैं, उनके घरों को उजाड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारी विरोधी है और निश्चित ये सब प्रकरण हमारे साथ किशन दीक्षित जी हैं, पूजा यादव जी हैं, ओपी सिंह जी हैं, राजू यादव जी हैं, तमाम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज हम लोग सारे रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। निश्चित रूप से इस प्रकरण को व्यापारियों के सम्मान के लिए हम लोग सड़क से सदन तक लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।